ओम शांति। हम इस सृष्टि के हीरो एक्टर हैं। हमने जन्म जन्म हीरो पार्ट बजाए हैं। जितना जितना हम योगयुक्त होते जाएंगे, जितना जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होती जाएगी, हमारी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, हम स्वदर्शन चक्रधारी होते जाएंगे, तो हमने जो जो हीरो पार्ट बजाए हैं जन्म जन्म, वो हमारे सम्मुख आता जाएगा। इतना क्लियर आएगा मानो साक्षात्कार हो रहा हो, तब हमें बहुत नशा चढ़ेगा। ये पार्ट मेरे हैं। और तब हमारे वर्तमान में यदि कोई कमी रही होगी, कोई छोटा मोटा भय समाया होगा, कोई इम्प्योरिटी बसी होगी, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो हम हीरो एक्टर हैं, पूर्वज हैं। हमें सभी को प्यार की दृष्टि से देखना है, चाहे वो किसी भी धर्म की आत्मा हो। हमें किसी के लिए भी अपने मन में तनिक भी घृणा भाव, नफरत का भाव नहीं रखना है। सभी अच्छे हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी विशेष धर्म वालों को देखकर मन में नफरत आती है, क्योंकि पास्ट की हिस्ट्री बड़ी खराब रही है। परंतु वो सब काम तो राजाओं ने किया था, सम्राटों ने किया था। कोई सम्राट बड़े क्रूर थे, आम जनता का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। वो तो अपने जीवन को सुखी देखना चाहते हैं। इसलिए हम सभी धर्मों की आत्माओं को प्यार दें। याद रखें, हम महान हैं, सभी धर्म आत्माओं के पूर्वज हैं। हमारी प्यार की दृष्टि उनमें सुख शांति का संचार करेगी। हम उन्हें अपना समझेंगे तो वो भी हमें अपना ही समझेंगे। ये बहुत सूक्ष्म गति काम करेगी। हमें याद रखना है, जब तक हमारे मन में किसी भी आत्मा के लिए नफरत का भाव है, हमारा योग संपूर्ण नहीं हो पाएगा, हमारा योग टूटता ही रहेगा। इसलिए अपने को योगयुक्त बनाने के लिए भी हमें चित्त को सबके लिए प्रेम और सुभावनाओं से भरपूर करना है। किसी के लिए भी मन में यदि नफरत भाव बसा हो तो उसको पूरी तरह निकाल दें। चेक कर लें, कोई अपना, किसी ने हमें कष्ट दिया हो वो मनुष्य, किसी के अवगुण हमें बहुत दिखाई देते हों वो, या कुछ और किसी कारण से हमारे मन में किसी के लिए नफरत तो नहीं बसी है। नफरत का नुकसान दूसरों को कम और मनुष्य को स्वयं को बहुत ज़्यादा होता है। ये घृणा एक घुण की तरह है, जो हमारी सुख शांति को अंदर ही अंदर खाती चली जाएगी। आप जानते हैं, हमारे इस देह में 70% से भी ज़्यादा पानी होता है। कितना सुंदर ये रहस्य है, धरती पर भी 70% पानी है। बिल्कुल वैसा ही कनेक्शन इस देह का है, देह में भी उसी परसेंटेज में पानी रहता है। तो अगर हमारे मन में घृणा ईर्ष्या होगी तो हमारे निगेटिव वाइब्रेशंस हमारी देह में व्याप्त पानी को डर्टी कर देंगे। निगेटिव वाइब्रेशंस उसको जहरीला बना देंगे और वो पानी हमें अनेक बीमारियां देगा। अनेक बीमारियां इस देह में जन्म ले लेंगी। तो अगर हम अपने मन में प्यार भरेंगे, अगर हम अपने मन में सभी आत्माओं के लिए शुभ भावनाएं भरेंगे, तो उसके वाइब्रेशंस हमारे इस देह में स्थित पानी पर भी बहुत पॉजिटिवली काम करेंगे और हम सदा स्वस्थ रहेंगे। ये भी फायदा हमें बहुत होगा। तो आइए हम सभी आत्माओं को प्यार की दृष्टि से देखें और सबको गुड वाइब्रेशंस दें। तो आज सारा दिन हम महसूस करेंगे, मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में हूँ। महसूस करें, मैं पूर्वज महान तपस्वी कल्प वृक्ष की जड़ों में हूँ और बाबा मेरे सिर पर छत्र छाया है। मुझसे निकले हुए श्रेष्ठ वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं।
इससे सभी धर्मों की आत्माओं को हमसे गुड वाइब्रेशंस जाएंगे। ऐसा भी आप विजन बना सकते हैं, कल्प वृक्ष के तने में एक गुफा है, उसमें मैं विराजमान हूँ, मैं पूर्वज हूँ, महान हूँ, मुझसे निकले वाइब्रेशंस अंदर ही अंदर सारे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं। आज प्रति घंटा एक बार इसका आनंद लेंगे। ओम शांति।